हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में जो ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 10 सालों में हरियाणा प्रदेश में ओबीसी समाज को हर स्तर पर लाभ पहुंचाने में सरकार ने अपना दायित्व निभाया है। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देने के लिए हमारी सरकार ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा में पहले नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 6 लाख रुपए थी, अब प्रदेश सरकार की नौकरियों में क्रीमी लेयर बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक की जाएगी। भारत सरकार की तर्ज पर इसमें वेतन और कृषि की आय को शामिल नहीं किया जाएगा, इसमें लाखों लोगों को लाभ होगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15% है, इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 15% से बढ़ाकर सभी पिछड़े वर्गों के लिए 100% किया जाएगा। इसके अलावा नौकरियों में पिछड़ा वर्ग ए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। हमारी सरकार ओबीसी समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए 12,000 से 20,000 रुपये तक छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। ओबीसी वर्ग के कौशल विकास पर भी सरकार पूरा फोकस कर रही है। भगवान विश्वकर्मा योजना के तहत समाज के लोगों के लिए 18 ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रशिक्षण के दौरान ओबीसी वर्ग के लोगों को 500 रुपये प्रतिदिन की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। कोर्स पूरा होने के बाद 15,000 रुपये की किट भी परीक्षार्थियों को दिए जाने का प्रावधान है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में जितना लाभ ओबीसी वर्ग को दिया है उतना पूर्व की विपक्ष की सरकार ने कभी भी नहीं दिया। प्रदेश सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को पूरा मान सम्मान देते हुए हर वर्ग के उत्थान में अहम भूमिका निभाई है।